बार फिर से नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की, एनालाइज करेंगे बिटकॉइन के चार्ट को, क्या सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन के चार्ट पर। बिटकॉइन एक बार फिर से 30,000 USDT के नीचे ट्रेड करके बाउंस बैक किया है, जो कि बहुत ही नेगेटिव प्राइस रेंज है बिटकॉइन के लिए। इसके साथ साथ 28,000 USDT के सपोर्ट को बिटकॉइन होल्ड कर पाएगा या नहीं, बहुत से न्यू क्रिप्टो इन्वेस्टर उनके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा, क्या क्रिप्टो करेंसी का जो गोल्डन टाइम है वो एंड हो गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों और कोई भी पार्ट वीडियो का मिस मत करिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा वीडियो। दोस्तों BTC अभी ट्रेड कर रहा है 32,000 USDT के ऊपर, जैसा कि आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यह है कि बिटकॉइन का जो डाउन ट्रेंड है वो कब चेंज होगा। अगर आप लास्ट 2 मंथ के चार्ट को देखते हैं, बिटकॉइन ने बहुत बार सपोर्ट रेंज से बाउंस बैक किया है, बट कोई भी बाउंस बैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो मार्केट के मूव को चेंज कर पाए। बिटकॉइन के चार्ट को क्लियरली देख सकते हैं, बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है और लोअर लोज एंड हायर लोज बन रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप देख पाएंगे BTC एक डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं BTC इस चैनल के अपर लाइन के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन भी है। इससे पहले भी काफ़ी बार BTC रेजिस्टेंस लाइन को टच करके रिवर्स हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इस बार ये इस लाइन को ब्रेक कर पाता है या नहीं। आप चार्ट पर देख सकते हो, लास्ट टाइम जब BTC ने यह रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया था, तब BTC 40,000 USDT की जो रेजिस्टेंस रेंज है वहां से रिवर्स हो गया था। तो ये था दोस्तों BTC के चार्ट का एनालिसिस। अब हमें वेट करना है दोस्तों इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेक होने का, और देखना है कि BTC ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर पाता है या नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट में आपको क्या पोजीशन लेनी चाहिए। मार्केट अभी बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है। अभी आपको मार्केट को वॉच करना है जब तक मार्केट में कोई अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो जाता। इसलिए अभी मार्केट में बाय करना बहुत ही वर्स्ट डिसीजन होगा। मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए और वेट करिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का। एंड जो इन्वेस्टर मार्केट में बाय करके बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर से रिकवर होगा दोस्तों, जैसा कि ऑलवेज होता है। एंड लास्ट जिन्होंने रिसेंटली मार्केट में फॉल आने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की है, वो सपोर्ट लेवल को वॉच करें। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तभी सेल करें और छोटा लॉस बुक करें। बड़े लॉस में बैठने से अच्छा है छोटे लॉस को बुक करना और सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट को स्टेबल होने पर ही फिर से बाय पोजीशन बनाएं। अब बात करते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी का जो गोल्डन टाइम था वो एंड हो गया दोस्तों या नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एवरी टाइम जब भी क्रिप्टो मार्केट में फॉल आता है तभी ऐसी न्यूज़ मार्केट में हमें देखने को मिलती है, एंड ऑफ क्रिप्टो एंड अब सब खत्म। और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप BTC के चार्ट को देखते हो तो BTC ने 4000 के अराउंड से अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, जो 65,000 USDT के हाई को टच किया। अब जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था इस बुल रन में वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट अपना बुक करेंगे ही। इसका यह मतलब नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट ख़त्म, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। कोई चीज़ अप गई है तो डाउन भी आएगी ही, बस आपको पेशेंस रखना है और मार्केट फिर से एक बार अप ट्रेंड में आ जाएगा और BTC अपने लास्ट हाई को भी ब्रेक करेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।